आज हम पढ़ेंगे सी का मतलब क्या होता है श्ट्रेंग? पीछा करना किसी का ठीक है पीछा करना सी मॉन्स्टर मतलब समुद्र में कोई मॉन्स्टर मॉन्स्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट बहुत बड़ा डरावना जो एनिमल होता है ना स्टूडेंट उसको बोलते हैं मॉन्स्टर ठीक है ना तो क्या हो रहा है एक सिप है स्टूडेंट समुद्र में जंगी जहाज है जंगी जहाज इसको बोलते हैं फ्रिगेट। फ्रिगेट का मतलब होता है इसको याद रख लो बिल्कुल एफ आर आई जी ए टी ई फ्रिगेट का मतलब होता है जंगी जहाज मतलब ऐसा सिप जो जो क्या करता है किसी पर अटैक करता है जो लड़ाई करने के लिए यूज होता है समुद्री लड़ाई करने के लिए उसको बोलते हैं क्या फ्रिगेट ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है एक जो फ्रिगेट है स्टैंड वो क्या कर रहा है समुद्र में कुछ अजीब सी चीजें दिख रही है उसे कुछ ऐसा एनिमल टाइप का सी मॉन्स्टर तो उसका वो पीछा कर रहा है उससे लड़ाई कर रहा है यहाँ पर तो आ, यहाँ पर देखो वो क्या है वो है स्टैंड जो ये जो पंडुबी पंडुबी टाइप की जो चीज है जो अभी विकसित हो गई है पहले नहीं थी इसकी खोज नहीं हुई थी तो उसी को इमेजिन किया है एक मॉन्स्टर के जैसा और जुल्स वेरने ने इस चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है देखो समझो अभी पता चल जाएगा आपको हम फ्रेंच राइटर एक फ्रेंच राइटर है फ्रांस के इज नोन वो जाने जाते हैं एज द फादर ऑफ साइंस फिक्सन है ना जो फादर माने जाते हैं किसके साइंस फिक्सन के फिक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट साइंस से रिलेटेड कुछ कल्पनाएं करना फिक्सन का मतलब होता है इमेजिनेशन है ना कोई इमेजिन कर लेना कि पहले ऐसी कोई साइंस कोई इंसान ने ऐसी कोई मशीन बना लिया कुछ बना लिया तो वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इस टाइप से साइंस से रिलेटेड कुछ कल्पना करके कुछ कहानियां बनाना उसको बोलते साइंस फिक्शन है ना तो वो उसके फादर माने जाते थे जूल्स वैर ने ही रोट अबाउट रॉकेट्स उन्होंने लिखा है रॉकेट के बारे में स्पेस ट्रेवल करने के बारे में जब हम रॉकेट के बने नहीं थे जब स्पेस में ट्रेवल नहीं करता था इंसान तभी उन्होंने इमेजिन किया था और इस साइंस फिक्शन के ऊपर उन्होंने चीजें लिखी थी रॉकेट के बारे में स्पेस ट्रेवल के बारे में भी उन्होंने लिखा है सबमरीन के बारे में भी लिखा हुआ है वैन सच थिंग्स वर अनोन और और तब लिख दिया था जब ये सारी चीजें क्या थी अननोन थी अज्ञात थी जब इसे किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था है ना इस तो अभी से ये सब चीजों के बारे में उन्होंने लिख दिया था इन दिस पैसेज और इस पैसेज में फ्रॉम हिस नावल ट्वेंटी थाउजेंड लीक्स अंडर द सी और इस पैसेज हम हमें हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट उनकी एक नॉवल है क्या नाम है उस नॉवल का ट्वेंटी थाउजेंड लीक्स अंडर द सी है ना उसी से कुछ हिस्सा निकाल कर इस पैसेज में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में वो क्या सब करते हैं ही डिस्क्राइब्स हाउ पीपल ऑन अ अप वो ये बताते हैं कि लोग जो सिप में है वो कल्पना कर रहे हैं जहाज में है है ना थिंक वो क्या सोच रहे हैं ऑफ द सबमरीन वो सबमरीन जैसी कोई चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं एज एन एनिमल एक एनिमल के रूप में एंड ट्राई टू चेज एंड हंट इट और उसे पकड़ने की और उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है किसने लिखा है स्ट्रैंड जूल्स वेयर ये कौन है फादर ऑफ साइंस फिक्शन ये नॉवेल लिखते हैं स्ट्रैंड और साइंस से रिलेटेड चीजें के बारे में कुछ इमेजिन करके लिखते हैं ठीक है ना स्टैंड फिक्शन का मतलब वही है कल्पना करके कुछ चीज लिखना और यहाँ पर कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं आपके सिप के है ना तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा है ना ठीक है ये पोर्ट ये स्टार बोर्ड लिखा हुआ है है ना फोरकास्टल

Across उसके लाइन से ऐसा लगा होता है अ सेल हैंग्स फ्रॉम अ यार्ड सेल का मतलब जो कपड़ा होता है जो जहाज में लगाया जाता है सेल मोटा सा कपड़ा उसको बोलते हैं सेल क्लोथ वो यहां पर लगाया जाता है तो देखो समझ लो यार्ड का क्या है देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये तो मास्ट है जो सीधा खड़ा एक पोल टाइप का रहता है वो क्या होता है वो होता है स्टूडेंट मास्ट है ना ठीक है टॉल अपराइट पोल ऑन अ अप उसको मास्ट बोलते हैं तो मास्ट है और उसके बाजू में ऐसे ऐसे जो लिए जो चीज लगी हुई है स्टैंड और यहां पर बीच में ये जो चीज लगी हुई उसको क्या बोला यार्ड ठीक है अ पोल स्लंग्रॉस अ सिप ठीक है मास्ट जो सिप मास्ट के अक्रॉस जो लगा होता है देखो यहां पर लिखा भी हुआ है स्टैंड ये लिखा हुआ यार्ड देखो ये जो लगा हुआ ये वाला पोल यानी ये जो तो ये तो मास्ट है ये खड़ा है और यहां पर रोप है देखो ये मास्ट है फिर ये रोप्स लगी हुई है ऐसी ऐसी रोप्स लगी हुई है और इन रोप्स को सपोर्ट करते हुए ऐसा है जो लगा हुआ है ये ये वाला हॉरिजॉन्टल चीज ये है यार्ड ठीक है ओके तो वैसे यहाँ पर मास्ट तो पता ही चल गया आपको टॉल अपराइट पोल ऑन अप ठीक है बो क्या होता है द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ अप फॉरवर्ड मतलब कोई जो सिप होता है उसकी बॉडी का सामने वाला हिस्सा जो होता है उसको बो बोला है डेक क्या होता है अ फ्लोर फ्लैट एरिया बिल्ड ऑन अ सिप के ऊपर जो फ्लोर होता है ना उस जहां पर सब लोग खड़े रहते हैं जो है ना उसको क्या बोला है डेक बोला है ठीक है फॉर कैसल क्या होता है फॉर कैस कैसल हाँ है ना फॉर कैसल द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ डेक डेक और का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको फॉर कैसल बोलते हैं और पूरे बोट का जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको बो बोलते हैं ना ये वाला जो ऐसा इस हिस्सा होता है ये वाला जो बो होता है और जिस पर ये जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं जो फ्लोर होता है जहाँ लो लो पर लोग सामान रखते हैं रहते हैं उसका जो सामने वाला हिस्सा है उसको फोर कैसल बोला है ठीक है है ना डेक का सामने वाला हिस्सा फ्लोर का सामने वाला हिस्सा ठीक है स्टार बोर्ड क्या होता है स्टैंड स्टार बोर्ड देख लो समझ लो ये सारी चीजें द राइट हैंड साइड ऑफ अ शिप एज वन फेसेस फॉरवर्ड ठीक है ना जो राइट right वाला जो हिस्सा होता है सामने से जैसे बोट है सामने वाला हिस्सा तो ये जो राइट right वाला बोट का जो हिस्सा होता है उसको बोला स्टार बोट है ना स्टर्न द रेयर मोस्ट बैक पार्ट ऑफ अ शिप सबसे पिछला जो हिस्सा होता है किसी शिप का पिछला हिस्सा रेयर मोस्ट एंड बहुत ज्यादा पिछला उसको बोलता है स्टर्न आफ्टर डेक क्या होता है एन ओपन डेक नियर द बैक बैक मतलब पिछले साइड में जो डेक होता है ना उसको क्या बोला आफ्टर डेक ठीक है ना फोर क्या होता है द पार्ट विच इज़ ऑलवेज एट द फ्रंट वाइल द शिप इज सेलिंग जो हमेशा सामने वाला जो हिस्सा है उसको फोर बोला है ठीक है ये देखो ये इधर ये जो सामने वाला हिस्सा है ये फोर है स्टूडेंट ठीक है ना यहाँ पर मेंशन शायद नहीं किया है हाँ ये जो बताया यहाँ पर सामने जो उसका जो फेस वाला जो पोर्सन आता है फेस उसको बोला four, है हमेशा फोर देखो ये और ये आफ्टर बैक है जो फ्टर डेक ठीक है तो चलो को को ही पढ़ते हैं सीधे अच्छे से है ना अब इस को पूरा एक-एक का आपको बताऊंगा इसमें एक-एक वर्ड का मीनिंग समझना है ठीक है ना देखो क्या बोला है मॉन्स्टर हम पीछा करें किसका समुद्री एनिमल का जो समुद्र में मिलता है सी में बहुत ही बड़ा और डरावना ठीक है ना देखो अवर फ्रिगेट तो ये जो नरेटर स्टैंड वो यहाँ पर बता रहे हैं नरेटर कौन है प्रोफेसर एरानक्स है ना यहाँ पर आपको पता चलेगा प्रोफेसर प्रो, ही नरेटर है जो सारी चीजें हमें बता रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो फ्रिगेट टू गो बैक हमारा जो जंगी जहाज है अब वो लड़ाई करके वापस जाना चाह रहा था ठीक है ना बट द अनअर्थली एनिमल ऐसा एनिमल जो अर्थ में कभी कभार अर्थ में देखने को नहीं मिलता है ना वो पानी में कभी देखने को मिल जाए पर अर्थ में जनरली देखने को नहीं मिलता ऐसा अनअर्थली एनिमल केम एट अस वो हमारी तरफ आया विद स्पीड डबल अवर ओन हमारी जो स्पीड से हमारा जो जंगी जहाज वापस जा रहा था उससे डबल स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था वो जंगी जहाज जहाज की तरफ है ना फ्रीगेट की तरफ ठीक है ना एक एनिमल ठीक है ना अनर्थली एनिमल हमारी तरफ आ रहा था डबल स्पीड से वी गास्ट हम तो क्या हो गए घास मतलब क्या हो गए? हाँपने लगे डर की वजह से डर की वजह से हम हाँपने लगे ठीक है ना हमारी सांस फूलने लगी मोर स्टंड्रेड हम क्या थे स्टूडेंट बहुत ज्यादा सॉग्ड थे देन अफ्रेड जितने हम डरे हुए थे उससे ज्यादा हम सॉग भी थे है ना सरप्राइज थे वी स्टूड म्यूट एंड मोशन लेस है ना हम खड़े थे है ना बिल्कुल साइलेंट म्यूट एंड मोशन लेस बिना हिले डुले द एनिमल कैचअप विद अस प्लेड विद अस एनिमल कैचअप विद अस का मतलब होता है हमारा उसने पीछा किया ठीक है ना कैचअप विद अस हमारा पीछा किया उसने है ना प्लेट भी दस और हमारे आसपास क्या हुआ खेल ऐसा लग रहा था हमारे साथ वो खेल रहा है, है ना कुछ कर रहा था आसपास कुछ एक्टिविटीज इट मेड अ फुल सर्कल वो क्या कर रहा था एनिमल मेड वो बना रहा था एक गोल फुल सर्कल बना रहा था आसपास ऐसा सर्कल टाइप का बना रहा था हमारे जहाज के आसपास ऐसा घूम रहा था स्पीड से ठीक है ना अराउंड द फ्रिगेट हमारा जो जंगी जहाज था उसके आसपास एंड व्रैब्ड अस इन सीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वर लाइक ल्यूमिनियस डस्ट एंड व्रैब्ड अप और हमें घेर लिया उसने है ना इन सीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी का सीड्स का मतलब क्या है जब वो आस पास घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है कुछ लाइट निकल रही है ठीक है ना दैट वर लाइक ल्यूमिनियस डस्ट और वहां से ऐसा लग रहा था कि कुछ डस्ट निकल रही है धूल ढूल तो पता ही होता है क्या होता है आपको ल्यूमिनियस मतलब ब्राइट कलर की है ना एकदम ब्राइट कलर की चमकती हुई कुछ डस्ट उसके आसपास से निकल रही करंट की चिंगारियां निकल रही एक प्रकार से कुछ चिंगारियां निकल रही डस्ट का मतलब वो है इलेक्ट्रिसिटी निकल, निकल रही थी ऐसे टाइप से हमें महसूस हो रहा था आगे देखो एट एनी इंस्टेंट इट अगेंस्ट अवर शिप एट एनी इंस्टेंट कभी भी किसी भी समय पर इट कुड है टकरा सकता था अगेंस्ट अवर सिप हमारे सिप से है ना किसी भी समय टकरा सकता था ठीक है ना ऐसा वो खेल रहा था बिल्कुल हमसे है ना मीन वाइल और तभी आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अवर वॉरशिप वॉज फ्लिइंग नॉट फाइटिंग मीन वाइल उसी दौरान आई वॉज सरप्राइज मैं बिल्कुल सरप्राइज था कौन बोल रहा है ऐसा प्रोफेसर एनोनॉक्स वही हमें सारी कहानी बता रहे हैं ना मैं बहुत सरप्राइज था टू सी ये देखकर दैट की अवर वॉर वॉरशिप वॉरसिप का मतलब जंगी जहाज को फ्रिगेट भी बोलते हैं या भी बोलते हैं कि हमारा जो जंग जंगी जहाज था वॉज फ्लियंग वो भाग रहा था नॉट फाइटिंग फाइट नहीं कर रहा था फाइट करने के बदले वो क्या हो रहा था बजाय भाग रहा था वो वहां से मैदान छोड़ के आई कमेंटेड ऑन दिस मैंने याद ये कमेंटेड ऑन का मतलब होता है बताना है ना मैंने बताया दिस ये चीज किससे कहा ये चीज़ कमेंटेड मतलब सैड आई सैड दिस मैंने ये कहा टू किससे कमांडर फेरेगॉट फेरेगट कमांडर का मतलब होता है जो सिप में सबसे मेन बड़ा ऑफिसर होता है लीडर है ना जो क्रू जो बाकी जो मेंबर होते काम में काम करने वाले उनको बोलते पीपल वर्किंग ऑन द दिप क्रू और इन सबका जो हेड होता है उसको बोलते कमांडर है ना तो कमांडर फेरेगट को मैंने चीज बताई कि हमारा जहाज क्या कर रहा है लड़ने से बदले भागने की कोशिश कर रहा है तो हिस फेस तो उनका जो फेस था कमांडर फेरेगट का ऑर्डिनरी मतल, or, मतलब ऑर्डिनरीली मतलब जनरली सो इमोशनल लेस काफ़ी इमोशन लेस होता है मतलब ज्यादा हाव भाव नहीं दिखाते हमेशा सा साइलेंट ही रहते हैं है ना पर वो भी सोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट है ना उनका चेहरा भी क्या दिखा रहा था क्या महसूस प्रकट कर रहा था बहुत ज्यादा एस्टोनिशमेंट मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्य से भरे हुए थे वो भी बड़े सरप्राइज थे बिल्कुल है ना जब मैंने ये चीज़ बताई उनको तो है ना वो भी इस घटना से लेकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे प्रोफेसर एरनॉक्स ही आंसर्ड मी तो उन्होंने मुझे आंसर दिया किसने कमांडर फेरेगॉट ने फेरेगट ने में हमें आंसर दिया और क्या कहा प्रोफेसर एनोनॉक्स ही आंसर्ड मी उन्होंने मुझसे आंसर दिया आई डोंट नो प्रोफेसर एनोनॉक्स मैं नहीं जानता व्हाट काइंड ऑफ फियर सम क्रीचर आई एम अप अगेंस्ट है ना कि किस पता नहीं किस प्रकार के इस फियर सम मतलब डरावने क्रीचर क्रीचर इसको क्रिएचर नहीं बोलना क्रीचर बोलना क्रीचर मतलब जीव या प्राणी पता नहीं किस प्रकार के इस डरावने क्रीचर से आई एम अप अगेंस्ट हमारा सामना हो गया है एंड आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट और मैं नहीं चाहता कि हमारा जो फ्रिगेट है जंगी जहाज है रनिंग फुलिस रिस्की वो रनिंग फुलिस रिस्की इन ऑल दिस डार्कनेस डार्कनेस क्यों बोला क्योंकि रात का समय था है ना रात के समय ही वापस आ रहे थे तो वो क्या बोल रहे हैं इस फुल डार्कनेस में मैं नहीं चाहता कि हमारा फ्रिगेट क्या करे रनिंग भागता रहे चलता रहे फुलिस बेवकूफ़ी भरी बेवकूफ तरीके से है ना बिना सोचे समझे हम किसी की तरफ किसी पर भी अटैक करते दें है ना करें बिल्कुल रिस्क लेकर के है ना इन ऑल दिस डार्कनेस इस अंधेरे में है ना बिसाइड्स और इसी के अलावा हाउ शुड वी अटैक और इसके साथ साथ हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रीचर हम कैसे अटैक कर सकते हैं हमें किस तरह से अटैक करना चाहिए इस अननोन क्रीचर पे अनजाने प्राणी पे अनजाने जीव पे है ना हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्स अगेंस्ट इट हम कैसे डिफेंड मतलब रक्षा कर पाएंगे आरसेल्स खुद की अगेंस्ट इट इसके खिलाफ इससे हम खुद को कैसे बचा पाएंगे लेट अस वेट फॉर डे लाइट थोड़ा सा इंतजार करो दिन निकलने का अभी रात का समय है अस वेट फॉर डे लाइट डे लाइट मतलब दिन निकलने का इंतजार करो एंड देन और तब वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल हम कुछ दूसरी युक्ति लगाएंगे प्ले अ डिफरेंट रोल मतलब कुछ दूसरा ही तरीका अपनाएंगे ठीक है ना इनसे लड़ने का इसका सामना करने का अभी अंदर में हम कुछ नहीं कर पाएंगे द होल क्रीव स्टेड ऑन देअर फिट ऑल नाइट लोंग जितने भी क्रीव थे जितने भी मेम्बर थे जो जहाज में काम करते हैं है ना स्टेड ऑन देअर फिट है ना वो अपने पैरों पर खड़े थे बिल्कुल है ना ऑल नाइट लोंग पूरी रात भर नो वन इवन थाट ऑफ स्लीपिंग किसी ने सोने के बारे में तक नहीं सोचा कि हम सो जाएंगे इस बारे में सोचा तक नहीं अनेबल टू कंपीट विद द मॉन्स्टर्स स्पीड आवर फ्रीगेट द अब्राहम लिंकन स्लोड डाउन है ना वो अनेबल था हमारा जो फ्रिगेट था वो मॉन्स्टर की स्पीड को कम्पीट नहीं कर सकता था उतनी स्पीड में वो दौड़ नहीं पा रहा था है ना कौन हमारा फ्रिगेट क्या नाम है हमारे फ्रिगेट का हमारे जंगी जहाज का द अब्राहम लिंकन है ना तो हमारा जो अब्राहम लिंकन जो फ्रिगेट है वो क्या था इस लायक नहीं था कि उस मॉन्स्टर की स्पीड को को क्या कर सके कंपीट कर सके उसका सामना कर सके इसलिए क्या हो गया वो स्लो डाउन क्या हो गया वो स्लो डाउन हो गया धीमा हो गया फॉर इट्स पार्ट और जब उसकी बात करें उस एनिमल की बात करें है ना मॉन्स्टर की बात करें तो क्या था द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिकेट जब उसकी बात करें तो वो तो क्या कर रहा था हमारा जो फ्रिगेट था उसी की कॉपी कर रहा था मिमिट कर रहा था फ्रिगेट इधर जा रहा है तो हम, हम फ्रिगेट जैसे स्पीड से चल रहा है तो वो भी स्पीड से चलता था हम जैसे स्लो चलते थे तो वो भी स्लो चलता था तो हम उसकी स्पीड का तो हमें कोई मुकाबला ही नहीं था तो वो क्या कर रहा था मिमिक्ड कर रहा था मिमिक्री करना करते ना मिमिक्री मतलब कॉपी करते हैं एक्टिंग करते हैं किसी की तो हमारी फ्रिगेट की वो कॉपी कर रहा था सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल वो सिंपली तरीके सिंपल तरीके से क्या कर रहा था रोड मतलब चल रहा था वो है ना मॉन्स्टर विद द वेव्स वेव्स के साथ बहते चले, चले जा रहा था बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल लेकिन इस लड़ाई के मैदान को छोड़ के वो नहीं भागा कौन वो मॉन्स्टर जो बड़ा सा कोई एनिमल था अनअर्थली एनिमल ठीक है आगे देखो हावेवर है ना हावेवर हा, हालांकि क्या हो गया नियर मिड है ना मध्य रात्रि तक मध्य रात्रि तक हवे हालांकि मध्य रात्रि तक इट डिसअपियर्ड आधी रात तक यह पता चला कि वो तो गायब हो गया था दिखाई देना बंद कर दिया था और या शायद टू यूज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इट वेंट आउट और अगर और अच्छे से अगर थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जाए तो इसका मतलब वो शायद वेंट आउट वो बाहर चला गया था कहीं चला गया था लाइक अ ह्यूज ग्लो वॉर्म वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लो वॉर्म ग्लोबॉर्म का मतलब होता है जो जुगनी होती ना उसको एक बड़ी सी जुगनू के जैसा पहले तो आया और फिर जैसे जुगनु जब अपना लाइट चमकाना बंद करती तो हमें ऐसा लगता है कि वो चला गया तो वैसे ही वहां से कोई लाइट कोई इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं दे रही थी तो हमें ऐसा लगा कि अब वो तो चला गया जुगनू की तरह आया और गायब हो गया हैड इट फ्लैड फ्रॉम अस हैड इट फ्लैड फ्लैड का मतलब होता है भाग जाना क्या वो भाग भाग चुका था दूर हमसे है ना वी डिडंट नो हमें पता नहीं था एंड वर फिल्ड विद फियर एंड और हम लोग पूरा भरे हुए थे डर से है ना एंड होप और उम्मीद कर रहे थे एट द सेम टाइम ऐट द सेम टाइम एंड होप मतलब हमें कुछ उम्मीद भी थी कि वो फिर से आ भी सकता है ना ऐट द सेम टाइम हमें डर से भरे भी होते और वो फिर से आ जाएगा इस बात की हमें कुछ उम्मीद भी लग रही थी कभी आ ना जाए है ना बट एट ट्वेल्व फिफ्टीन देखो बात को समझना ना Filled विथ fear एंड होप एट द सेम टाइम और उस समय कुछ उम्मीद भी होप का मतलब तो स्टूडेंट ये होता है पॉजिटिवली कुछ उम्मीद करना मतलब हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अब तो वो नहीं आएगा हम डरे भी हुए थे और यह उम्मीद लगा लगा रहे थे कि वो फिर नहीं आएगा लेकिन क्या हुआ बट एट ट्वेल्व फिफ्टी थ्री लेकिन बारह बज के तिरपन मिनट पर क्या हुआ अ डिफिनिंग हिस कुड बी हर्ड हिस का मतलब होता है कुछ सरसराहट वाली आवाज़ डिफिनिंग मतलब इतनी तेज कि इंसान को बहरा कर दे डीफ कर दे बहुत ज्यादा तेज वेरी लाउड हिस हिस वाली कुछ आवाज आवाज़ थी कुड बी हर्ड वो सुनाई पड़ी है ना वो सुनाई पड़ी रिजेंबलिंग मिलता जुलता रिजेंबलिंग मतलब मिलता जुलता द साउंड किसके साउंड से वो मिलता जुलता था मेड बाय अ वाटर स्पॉट एक्सपेल्ड विद ट्रिमेंडस इंटेंसिटी वाटर स्पॉट का मतलब होता है पानी की जो जो धारा होती ना है ना स्टैंड है ना डैम वैम में जब पानी खोला जाता है तो जब स्पीड से पानी निकलता है तो कैसा साउंड निकलता है बिल्कुल है ना वैसे साउंड से मेल खाती हुई एक आवाज़ जो लो, लोगों को बहरा कर दे इतनी तेज आवाज़ निकल के आ रही थी है ना बारह ट्वेल्व फिफ्टी थ्री को है ना विद ट्रेमेंडस इंटेंसिटी प्रेमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब तीव्रता के साथ भयंकर डेंजरस तीव्रता के साथ वो आवाज निकल के आ रही थी सही बात है है ना रिजेंबलिंग मतलब मेल खा रही थी आवाज किससे मेल खा रही थी उस साउंड से जो वाटर जब एक्सपेल मतलब निकलता है किसी वाटर की तेज धार है ना प्रेमेंडस इंटेंसिटी के साथ तो कैसी आवाज आती वैसी आवाज निकल के आ रही थी ठीक है स्टैंड आगे देख लेते हैं ना बाय देन और तब तक कमांडर फेरेगट फेरेगॉट नेडरलैंड ये जो एक कमांडर फेरेगॉट है नेडलैंड भी एक इंसान है वही के है ना मेन है ना क्रू मेंबर के हेड लोग हैं एंड आई और मैं वर ऑन द आफ्टर डेक हम कहाँ पर थे आफ्टर डेक पर आफ्टर डेक का मतलब क्या होता है एन ओपन डेक नियर द बैक यानी सीप के पिछले हिस्से में है ना पियरिंग और झांक रहे थे देख रहे थे है ना तलाश कर रहे थे ईगरली बड़ी उत्सुकता के साथ ध्यान से हम देख रहे थे इंटू द डार्कनेस अंधेरे में ध्यान से गौर करके देख रहे थे कहीं वो दिखाई तो नहीं देगा आसपास है ना ऐसा करके क्योंकि आवाज आई हमें है, है ना टेल मी नेडलैंड टेल मी नेडलैंड इजंट इट दैट द नॉइस सेटेसियंस सेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लू होल्स टेलमी देखो नेडलैंड टेलमी नेडलैंड जो स्पीकर है स्टैंड वो कौन है स्पीकर प्रोफेसर एरो एक्स वो क्या बोल रहे हैं टेलमी नेडलैंड नेडलैंड मुझे बताओ इजेंट इट दैट ऐसा नहीं है क्या कि इजेंट इट दैट ऐसा नहीं क्या कि द नॉइस से जो नॉइस नॉइस निकल, निकल, निकल के आया जो आवाज़ निकल के आया सेटेसन मेक कौन ये आवाज़ निकालता है सेटेशन क्या होता है स्टैंड सेटेशन का मतलब होता है ब्लू जो सेटेसन का मतलब एक प्रकार की मरीन एनिमल लाइक अ वेल वेल मछली के जैसे ही देखो यहाँ पर लिखा वेल व्हेल मछली के जैसा ही कोई मरीन एनिमल होता है पानी में रहने वाला वो साउंड निकालता है वैसा साउंड नहीं है क्या जो मेक वो साउंड जैसा निकालते वैसा ही साउंड नहीं है क्या है ना ऐसा वो पूछ रहे हैं ऑथर नेडलैंड को वैन दे स्पर्ट कब कब निकलता है ये साउंड जब ये सेटेसन जो है व्हेल है वो क्या करते हैं स्पर्ट करते हैं स्पर्ट का मतलब होता है फवारा निकालते हैं मुँह से पानी का है ना स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स है ना उनके बॉडी में जो ब्लो होल्स बने रहते हैं वहां से जब झटके से पानी को बाहर निकालते तेजी से तब ऐसा आवाज निकल के आता है वैसा आवाज नहीं है कि ऐसा वो कंफर्म कर रहे हैं द वेरी नॉइज ऐसा ही आवाज सर बट दिस वंस वे लाउडर हा ऐसा ही आवाज है सर ये जवाब कौन दे रहा है अब यहां पर नेडलैंड नेडलैंड जवाब दे रहे हैं क्या बोलते हैं द वेरी नाउस हाँ वैसा ही नॉइस द वेरी नॉइस मतलब हा वैसा ही नॉइस है ये सर बट दिस वन इज वे लाउडर लेकिन ये वाला जो है दिस वन ये वाला जो है ना इज वे लाउडर थोड़ा सा ज्यादा लाउड है थोड़ा सा ज्यादा तेज, तेज है उससे भी ज्यादा तेज है ना सो देयर कैन बी नो मिस्टेक सो देअर कैन बी नो मिस्टेक देयर इज डेफिनेटली अ व्हील लर्किंग इन अवर वाटर सो देयर कैन बी नो मिस्टेक अब यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती हम जो अनुमान लगा रहे हैं कि देयर इज डेफिनेटली यहाँ जरूर आस पास अ व्हेल कोई व्हेल मछली लर्किंग लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग छुपी हुई है इन अवर वाटर्स हमारे जो आसपास हमारे जो वाटर वाला एरिया है का वही होता है ना कि समुद्र में हमारे आसपास किसी ना किसी जगह वो छुपी हुई है इसमें कोई गलती वाली बात तो नहीं है डाउट वाली बात है ही नहीं ऐसा वो कह रहे हैं ठीक है ना कौन कह रहे थे ऐसा नेडलैंड कह रहे हैं इनको किसने पूछा था ऑथर ने पूछा था है ना ऑथर कौन है स्टैंड ऑथर हमारे देखो प्रोफेसर एरोनैक्स ठीक है ना ओके हाँ. Near two clock, oh clock, है ना, लगभग रात के दो बजे के पास पास है ना इन द मॉर्निंग है ना सुबह के मतलब रात के जो दो है वो सुबह के लगभग सुबह होने ही लगती उधर जल्दी है ना तो दो बजे की बात थी द कोर ऑफ लाइट रीअपियर्ड कोर का मतलब जो निशान है चिन्ह है कुछ पहचान लाइट की लाइट रीअपियर्ड वो फिर से दिखाई देने लग गया रीअपियर्ड मतलब फिर से दिखाई देने लगा कहाँ पर फाइव माइल्स अवे पाँच मील दूर फ्रॉम द अब्राहम लिंकन हमारा जो फ्री है स्टूडेंट जंगी जहाज़ है उससे पाँच मील दूर फिर से उसी टाइप का कुछ कोर ऑफ लाइट रीअपियर मतलब कुछ निशान चिन्ह लाइट का दिखाई फिर से देने लगा है ना जैसा वो मॉन्स्टर निकाल रहा था जो एनिमल जैसा लाइट प्रोड्यूस कर रहा था अपने अंदर से ठीक है ना आगे देखो क्या है चलो मैं ऐसा कर देता हूँ We stayed on the alert until daylight. We stayed on the alert. On the alert का मतलब होता है रेडी ऑन द लुकआउट हम क्या थे चौकसी पर थे हम बिल्कुल तैयार थे है ना स्टेड हम थे ऑन द अलर्ट हम तैयार थे until डे लाइट जब तक कि दिन का प्रकाश नहीं हो जाता दिन जब तक डे लाइट नहीं आ जाती दिन का लाइट शुरू नहीं हो जाता दिन निकलना चालू नहीं हो जाता उसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे जैसे ही दिन होगा जैसे ही लाइट दिखाई देगा वैसे ही हम अटैक करेंगे इसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे

ठीक है ना इस इक्विपमेंट को कि जैसे ही उजेला होगा जैसे लाइट होगा दिन होगा वैसे ही हम अटैक करना चालू कर देंगे ठीक है ना आगे देखो क्या चीफ चीफ ऑफिसर ऑफिसर हमारे जो है लोडेड द ब्लेंडर बसेस है ना ब्लेंडर बसेस विच कैन लॉन्च हार्पू एज फार एज अ माइल एंड लॉन्ग डक गन्स विद एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वुड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल देखो समझते हैं ना और चीफ ऑफिसर हमारे जो चीफ ऑफिसर थे ना मुख्य ऑफिसर मेन ऑफिसर लोडेड उन्होंने भी लोड कर लिया था द ब्लंडर बसेस है ना बसेस क्या होती है एक प्रकार की गन होती उसको भी लोड करके बिल्कुल तैयार रखा था विच कैन लॉन्च जिससे कि हम लॉन्च कर सकते थे अटैक कर सकते थे छोड़ सकते थे हारपूंस हारपूंस मतलब एक भाले टाइप का ऐसा होता है स्टूडेंट एक नुकीला भाले टाइप का कुछ होता है उसको बोलते हैं हारपून ठीक है ना तो ब्लेंडर बसेस जो होती है गन होती है जिसमें हम किसको लोड करते हैं हारपोन को ठीक है जिससे हारपोन को लॉन्च करते हैं हार भाले को उससे भाला उसके में फंसाते हैं जैसे ही चालू करते हैं उसको तो भाला दूर जाके गिरता है व्हैल के ऊपर यानी व्हैल पे अटैक करते हैं तो क्या हो गया था देखो तो वो भी हमने ऑफिसर ने तैयार रखा था विच कैन लॉन्च जो कि अटैक कर सकता तो लॉन्च कर सकता था हारपोन को एज फार एज एज माइल एज फार एज अ माइल लगभग एक मील दूर तक एंड लॉन्ग डक गन्स और कुछ लंबी सी डक गन्स भी थी हमारे पास है ना डक गन्स एक टाइप की गन्स है ना विद एक्सप्लोडिंग बुलेट्स जिसके अंदर क्या थी एक्सप्लोडिंग बुलेट्स थी विस्फोट करने वाली गोलियां बुलेट्स भरी हुई थी वो भी हमारी डग गन थी वो भी हमारी तैयार थी दैट कैन वाउंड जो चोट पहुंचा सकती थी एंड किल यहाँ तक कि जान भी ले सकती थी इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल यहाँ तक कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमल की भी वो क्या करती थी उसे चोट पहुँचा सकती थी या उसे जान भी ले सकती थी ऐसी डग गंस भी हमारे पास बिल्कुल लोड होके तैयार थी है ना नेडलैंड वॉज नेडलैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पोन

डे बिगेन टू ब्रेक दिन होने लग गया दिन की शुरुआत होने लगी एंड विद द डॉन्स अर्ली लाइट डॉन्स मतलब एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग बोलते डॉन्स अर्ली लाइट सुबह का जो पहली किरणें थी पहली प्रकाश द एनिमल्स ला इलेक्ट्रिक ग्लो डिस देखो स्टूडेंट दिन के समय तारे क्यों दिखाई नहीं देखे देते क्योंकि दिन का लाइट बहुत ज्यादा होता है और तारों का लाइट उतना ज्यादा नहीं हो पाता तो सूर्य की रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देते वैसे ही एनिमल भी इलेक्ट्रिक लाइट निकाल रहा था अपने अंदर से लेकिन वो दिन की लाइट की वजह से उसका वो जो लाइट था वो क्या हो गया था डिसअपियर्ड हो गया था है ना अर्ली डाउंस लाइ जो सुबह का जो डाउंस अर्ली लाइट सुबह का जो पहला प्रकाश था स्टैंड उसकी वजह से द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो इलेक्ट्रिक ग्लो का मतलब उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक लाइट निकल के आ रही थी कुछ है ना वो क्या हो गया था अब वो गायब हो गया था वो दिखाई देना बंद हो गया था दिन के प्रकाश की वजह से तो एट सेवन ओ क्लॉक और वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस और सेवन सात बजे लगभग बहुत ज्यादा घना है ना मॉर्निंग मिस्ट मतलब सुबह जो सफेद सफेद कोहरा छा जाता है वो क्या फैल गया था अराउंड अस आस पास ठीक है ना अवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वर अनेबल टू पियर्स इट और इतना घना कोहरा छा गया था स्टैंड कि हमारे जो स्पाई ग्लासेस होते हैं है ना यानी जासूसी वाले जो चश्मे हैं जिससे हमें क्लियर क्लियर दूर की भी चीज़ें अच्छे से दिख जाती है वो भी बेस्ट स्पाई ग्लासेस वर अनेबल वो भी इस लायक नहीं थे कि टू पियर्स इट वो इसके आरपार देख सके इतना डेंस मॉर्निंग मिस्ट था इतना घना कोहरा था कि उसके आरपार कुछ दिखाई दे ही नहीं पा रहा था स्पाई ग्लासेस की मदद से भी द आउटकम और उसका परिणाम ये निकला डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर यह हमें क्या हो गया कि कोहरा छा गया तो उसका परिणाम ये निकला कि हम सब डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे हम डिसपॉइंट हो गए थे मतलब निराश हो गए थे एंड अंगर और काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था कि लाइट तो हो गया पर अब कोहरा बीच में क्यों आ गया भाई ये मिस्ट क्यों आ गया हम अटैक कैसे करेंगे वो दिखेगा कैसे वो बीस्ट एनिमल दिखेगा कैसे है ना एट एट ओ क्लॉक और आठ बजे क्या हुआ द मिस्ट रोल्ड अवे वो धीरे धीरे रोल अवे का मतलब क्या होता है रोल अवे का मतलब होता है कम होने लगा टू मूव अवे दूर हटने लग गया जो कोहरा था वो दूर हटने लग गया ठीक है ना एंड द हॉरिजोन एंड दॉरिजोन ग्रेव वा एंड क्लियर हॉरिजोन का मतलब होता है जो छतिज है मतलब जहाँ से सूर्य निकल रहा था वो हिस्सा वो अच्छे से दिखाई दे रहा था ग्रेव वाइडर अच्छे से चौड़ा चौड़ा मस्त दिखाई दे रहा था एंड क्लियर और ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा था सडनली और अचानक क्या हो गया नेडलैंड वॉइस कुड बी हर्ड जो Ned Land है जो ऑफिसर है उनकी आवाज जो थी है ना कुड बी हर्ड वो सुनाई दे पा रही थी ठीक है ना देखो आगे और अचानक क्या हो स्टैंड

एस्टर्न मतलब देखो सब बता रहा हूँ आपको एक मिनट जो पिछला हिस्सा होता है एस्टर्न एस्टर्न मतलब बेक पार्ट जहाज का एंड पोर्ट का मतलब होता है राइट हैंड साइड ऑफ शिप यानी पीछे पिछले और राइट वाले हिस्से में पिछले हिस्से में राइट साइड में क्या हो रहा था कोई ऐसी चीज थी जो सवाल पैदा कर रही थी कुछ दिखाई दे रहा था जिस चीज है ना द हार्पुनर साउटेड ये जो नेडलैंड हार्पुनर है इन्होंने चिल्लाते हुए कहा एवरी आई लुक्ट टुअर्ड्स द पॉइंट इंडिकेटेड इंडिकेट किया गया जो जगह बताई गई है ना एस्टर्न टू पोर्ट मतलब पिछला और राइट right साइड वाला हिस्सा है ना तो सारी की सारी जो आंखें हैं लुक्ड वो देखने लगी टूवर्स दंडिकेटेड इसी पॉइंट की तरफ वो देखने लगी सबके सब वहां देखने लगे क्या था वहां पर देर वहां अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रीगेट उस हिस्से पर क्या हो रहा था अ माइल एंड अ हाफ का मतलब होता है वन एंड वन बाई टू मतलब वन राइट वन बाई टू मतलब डेढ़ मील डेढ़ मील फ्रॉम द फ्रिगेट फ्रिगेट से डेढ़ मील की दूरी पर अ लॉन्ग ब्लैकिस बॉडी इमर्ज एक लंबी सी काली वाली जो बॉडी है वो इमर्ज मतलब वो दिखाई दी ठीक है ठीक है स्टूडेंट uh, सही है ना देयर इज अ माइल एंड हाफ डेढ़ मील दूर हमारे जो फ्रिगेट जंगी जहाज है वहां से अ ब्लैक से एक लंबी सी काली कलर की बॉडी दिखाई पड़ रही थी अ मीटर अब द वेव्स जो वेव्स चलती पानी में इस टाइप की उन वेव्स से ऊपर एक मीटर उठी हुई वो दिख रही थी बॉडी है ना पानी में जो समुद्र में ऐसी वेव्स तो हमेशा चलती रहती है थी, ठीक है तो उसके ऊपर एक मीटर ऊपर तक वो बॉडी हमें दिखाई दे रही थी ठीक है ना इतनी बड़ी ठीक है आगे देखो क्या हो गया ट्वेरिंग देखो ट्वेवरिंग वायलेंटली क्वैवरिंग का मतलब था शेक हिल रही थी उसकी बॉडी वायलेंटली मतलब बिना किसी मैनर के इधर उधर वायलेंटली हिल रही थी है ना क्वेवरिंग मतलब शेक हो रही थी हिल रही थी वायलेंटली इधर उधर है ना इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग उसकी जो पूछ थी वो इधर उधर हिलते जा रही थी है ना इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग वो क्रिएट कर रही थी क्या उत्पन्न कर रही थी अकंसिडरेबल करेंट करेंट का मतलब क्या होता है करंट का मतलब होता है पानी के जो तेज बहाव को बोलते हैं वाटर का करंट है ना तो पानी में एक तेज करंट एक बहाव पैदा कर रही थी कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है बहुत ग्रेट बहुत बड़ा करंट मतलब ऐसा फ्लो फ्लो वो पैदा कर रही थी उसकी पूछ ही लेल कर ठीक है ना बहुत सारी लहरें पैदा कर रही थी पानी में ठीक है ना पानी में हलचल करो तो कैसी लहरें पैदा होती वैसा आगे देखो क्या हुआ द क्रू और वेटिंग जो क्रीव है जो काम करते जहाज में जो है ना मेंबर लोग होते हैं पीपल हु वर्क्स ऑन शिप ठीक है शिप मैन लोग है ना वर वेटिंग वो वर वेट कर रहे थे इमपेशनली बिल्कुल अधीर होकर है ना बिल्कुल इमपेशनली वेट कर रहे थे फॉर ऑर्डर्स कि कब कब हमें ऑर्डर मिले फ्रॉम देयर लीडर उनके लीडर से तो क्रिव मेम्बर बिल्कुल तैयार थे और अटैक करने के ऑर्डर के लिए बिल्कुल वेट कर रहे थे इम्पेसेंटली अधीर होकर बिल्कुल है ना द लेटर और बाद में लेटर का मतलब था बाद वाला जो पहले देखो पहले किसी लाइन में दो लोग का डिस्कस दो लोग की के बारे में कुछ कहा गया होगा तो बाद में फिर अगली लाइन में द लेटर लिखा इसका मतलब होता है बाद वाला पहली लाइन में दो लोग कौन है क्र्यू और उनके लीडर तो द लेटर मतलब बाद वाले मतलब उनके जो लीडर थे वो द लेटर मतलब जो लीडर है उनके आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग किसके बाद अच्छे से केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद किसको द एनिमल को उन्होंने क्या किया ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर दे दिया द इंजीनियर इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवॉर्ड्स द एनिमल कि हम क्या करेंगे सेल करेंगे मतलब स्पीड बढ़ा लेंगे दौड़ाएंगे अपने सिप को सेल करने का मतलब सिप को चलाएंगे स्पीड से विद फुल स्टीम मतलब फुल स्पीड से हम क्या करेंगे उसको चलाएंगे जंगी जहाज को टूआर्ड्स द एनिमल एनिमल की तरफ सेल करेंगे तैरा तैराएंगे अपने जहाज को फुल स्पीड से और ऐसे उन्हें ऑर्डर दे दिए किसने जो लीडर थे उन्होंने इंजीनियर को बोला भाई फुल स्पीड से बढ़ने दो अब अपने किसको फ्रिगेट को किसके तरफ उस एनिमल की तरफ क्योंकि अब दिन में अब लाइट हो गया अब हम तैयार भी है अब उस पर हमला करेंगे ठीक है ना चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर इस ऑर्डर का काफी खुशी से सम्मान किया द चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर क्या होता है हिप, हिप, ये वो हु, हु, जो खुशी से चिल्लाते ना इस आवाज ने खुशी वाले नो आवाज ने स्वागत किया ग्रीट किया दिस ऑर्डर इस ऑर्डर को है ना द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड मतलब अब युद्ध का जो समय था वो महसूस हो रहा था द आवर ऑफ बैटल का मतलब था युद्ध का समय हैड साउंडेड वो ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध का समय आ चुका है ठीक है ना अ फ्यू मोमेंट लेटर मतलब उस वाइल्ड एनिमल से अब युद्ध करेंगे है ना ऐसा समय आ गया ऐसा लग रहा था अ फ्यू मोमेंट लेटर कुछ ही मोमेंट्स बाद कुछ ही पल के बाद क्या हुआ द अब्राहम लिंकन जो हमारा जो सिप है है ना जंगी जहाज है फ्रिगेट अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल हेडेड मतलब उसने अपना जो सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा कर लिया किसके तरफ एनिमल के तरफ डायरेक्शन मोड़ लिया एनिमल के तरफ अनकंसर्न द लेटर लेट अस कम नियरर अनकंसर्न मतलब अनजान है बिल्कुल द लेटर मतलब बाद वाला बाद वाला कौन है लेटर देखो पहले यहां पर किसकी बात की है आपके अब्राहम लिंकन की और पिछले लाइन में बाद में किसकी बात की एनिमल की देखो पिछले लाइन में दो लोग की बात की है आपके सिप की और बाद आपके एनिमल की तो लेकिन यह बोला है द लेटर लेटर में किसके लिए बोला है एनिमल के लिए बोला है तो अनकंसर्ड तो मतलब बिल्कुल अनजान है ना उसे पता ही नहीं है कुछ अन द लेटर ये जो एनिमल है लेटर्स कम वो हमें आने दे रहा था नियरअर अपने पास वो हमें अपने पास आने दे रहा था उसे पता ही नहीं है है ना हम वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा था हम उसके तरफ अपने जंगी जहाज़ लेके जा रहे थे एनिमल के तरफ और बिल्कुल अनकंसर्ड था उसे कुछ पता ही नहीं था है ना इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड कम नियरर है ना हमें अपने पास आने दे रहा था और फिर क्या हुआ इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड अब अब उसके साथ कुछ पता चल रहा है और उसने थोड़ी सी स्पीड ले ली किसने इस एनिमल ने एंड कैप्ट इट्स डिस्टेंस और अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखा है ना जैसे कि हमारा जंगी जहाज यहाँ है और एनिमल यहाँ पर है ठीक है ना तो हम जैसे उसके पास गए तो कुछ देर तो आने दिया और बाद में इसे पता चला तो थोड़ा सा दूर चले गया और हमारे जो बीच की जो डिस्टेंस थी वो उतनी ही मेंटेन कर रहा था मतलब हमसे दूरी बनाए करके रखा हुआ था ठीक है दिस चेस ये जो पीछा करना था चेस का मतलब था पीछा करना ये जो पीछा किया हमने ड्रैग्ड ऑन फॉर अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ एन आवर बात को समझना है ना दिस चेस मतलब ये जो पीछा करने का काम था ड्रैग्ड ऑन ड्रैग ऑन का मतलब देर तक चलना कितने देर तक चला फॉर अबाउट थ्री क्वार्टर्स ऑफ एन आवर मतलब थ्री अपॉन फोर आवर मतलब पैंतालीस मिनट ठीक है ना थ्री क्वार्टर का मतलब वही होता है ना पैंतालीस मिनट कम से कम ये चीज चली ठीक है हम उसका पीछा कर रहे थे वो दूर चले जाता था हम पास में जाते थे फिर दूर चले जाता ऐसा कम से कम ये पीछा करने वाला काम कब तक चला स्टैंड पैंतालीस मिनट तक चला द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू सी एनिमल विदाउट है ना आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर बिना हम हमारा जो फ्रिगेट है वो बिना उसके पास पहुंचे टू द सी एनिमल है ना मतलब हम काफ़ी पैंतालीस मिनट तक पीछा कर रहे हैं लेकिन हमारा जो फ्रिगेट है उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था क्यों जैसे हम पास में जाते थे वो दूर हट जाता था इस टाइप से एट दिस रेट और इस स्पीड से जैसे हमारा जो ए, ए, फ्रिगेट चल रहा था इट वॉज ऑब्वियस ये बिल्कुल कन्फर्म था कि दैट कि वी वुड नेवर कैचअप विद इट कि हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे स्पीड से हमारा जंगी जहाज चल रहा था उससे इट वॉज ऑब्वियसली कंफर्म हो गया था कि दैट वी कि हम वुड नेवर कैच अप विद इट कि हम उससे कभी भी भेंट नहीं कर पाएंगे उसका उसका पीछा नहीं कर पाएंगे उसे पकड़ नहीं पाएंगे ठीक है ठीक है तो क्या हुआ द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड इसलिए हमने क्या किया अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी गैदर्ड मतलब स्पीड ले लिया बट सो डिड द एनिमल लेकिन वैसा ही एनिमल ने भी किया जैसे हमने अपनी स्पीड बढ़ा ली उसको पकड़ने की तो एनिमल ने भी बढ़ा दी है ना दिस वेंट ऑन ये चलता रहा फॉर द नेक्स्ट आवर अगले एक घंटे तक ये ऐसे ही चलता रहा द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच अभी जो अब्राहम लिंकन था वो बहुत ज्यादा स्पीड में भी चल रहा था दैट इट्स मास्ट ट्रेम्बल्ड डाउन टू देयर ब्लॉक्स जो मास्ट है जो जो जहाज में जो लंबे से खम्बे टाइप के लगे होते हैं है ना जिसमें सेल क्लोथ्स वगैरह भी लकड़े लटके होते हैं तो जो मास्ट है वो जहाँ फिट होते हैं ब्लॉक्स में तो वो ब्लॉक्स और ये मास्ट बिल्कुल क्या हो रहे थे ट्रेम्बल मतलब लड़खड़ा रहे थे बिल्कुल हिलने लग रहे थे इसने स्पीड इस में हमारा जो अब्राहम लिंकन चल रहा था कि मास्ट लोग भी क्या हो रहे थे वहां पर बिल्कुल वाइब्रेट करने लग रहे थे मास्ट ठीक है ना पोल्स जो लगे रहते हैं वाट आर चेज क्या पीछा था वो ना नो आई कान डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट सुक माई वेरी बींग वो जो एक्साइटमेंट था एक्साइटमेंट है ना उसे पकड़ने का हम पीछा कर रहे हैं वो वो भी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, है ना बिल्कुल तो एक्साइटमेंट था उसे कब पक, कब पकड़ेंगे कब कब पकड़ेंगे है ना दैट सुक माई वेरी बींग वेरी बींग का मतलब है सोल उसने मेरी आत्मा को भी दहला दिया था इतना स्पीड से हम चल रहे थे है ना वेरी बींग मतलब मेरी आत्मा को भी उसने बिल्कुल दहला दिया था है ना नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट हारपून इन हैंड जो नेडलैंड थे वो क्या थे अपने जगह पर बिल्कुल तैनात थे ठीक है ना स्टेट हिस पोस्ट का मतलब क्या होता है अपने uh, मतलब पद पे अपने जगह पर बिल्कुल तैनात थे हारपून इन हैंड अपने हाथ में हारपून लिए हुए ठीक है ना सेवरल टाइम्स काफी समय द एनिमल्स कई बार सेवरल टाइम्स मतलब कई बार द एनिमल लेटेस्ट अप्रोच हमें अपने तक पहुंचने देता था एनिवल हमें अपने उस तक पहुंचने देता था देन और तभी जस्ट एज दर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक जैसे ही हम उसके पास पहुंचते थे और जैसे ही अबाउट टू स्ट्राइक मतलब हारपुन छोड़ने ही वाले थे हम अटैक करने ही वाले थे हारपुन से द सेटेशन वुड स्टिल ऑफ स्वीफली सेटेसन का मतलब होता है वही वेल जैसा जो एनिमल है उसी को सेटेसन बोला है ना जो सेटेशन है जो वाइल्ड एनिमल है वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली वो क्या हुआ हो जाता था स्टील ऑफ दूर भाग जाता था स्विफ्टली मतलब तेजी से तेजी से दूर भाग जाता था है ना हमारा जंगी जहाज को पास में आने देता था, था और जैसे ही हारपून से हम स्ट्राइक करने वाले थे अटैक करने वाले थे अपने हारपून से है ना भाले से ठीक है ना तो वैसे ही वो क्या होता था दूर भाग जाता था ऐसा करके हमें बहुत चकमा दे रहा था कमांडर फेरेगैट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड जो कमांडर फेरेगेट है उन्होंने देखा कि और कुछ दूसरा सीधा तरीका लगाया जाए है ना और भी ज्यादा सीधा तरीका उन्होंने ऐसा सोचा बा ही सैड उन्होंने क्या कहा बा उन्होंने कहा सो देट एनिमल इज फास्टर देन द अब्राहम लिंकन इसका मतलब यह है कि जो एनिमल है वो तो हमारे अब्रह लिंकन से भी बहुत ज्यादा फास्ट है, है ना ऑल राइट ठीक है मेट man the gun in the bow तो उन्होंने क्या बोला मैट का मतलब असिस्टेंट उसने अपने असिस्टेंट को बोला ए असिस्टेंट मैन द गन इन द बो इसका मतलब क्या है तो कि क्या करो आप अपनी गन को बिल्कुल रेडी रखो है ना मैट यानी असिस्टेंट क्या करो मैन द गन जो लोग हैं उन सब लोगों को बोल दो कि जो गन है इन द बो कि अपने बिल्कुल रेडी रखे तैयार रखे बिल्कुल ठीक है ना फिर क्या हुआ आवर फोरकासल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड हमारा जो फॉरकैसल कैनन कैनन का मतलब होता है तोफ तोफ़ पता होगा जो जंगी जहाज़ में तो सभी सभी चीज़ें रहती तोफ भी रहती तो हमारा जो फॉरकैसल कैनन था वॉज इमीडिएटली लोडेड वो बिल्कुल तुरंत ही लोडेड किया गया भरा गया उसमें बारूद वगैरह एंड लेवल्ड और उसे सीधे लेवल में लाया गया है ना निशाने पर द कैन ईयर फायरड अ शॉट जो कैनन कैनन जो कैनन, कैनन का मतलब तोफ, और तोफ को चलाने वाले को क्या बोलते हैं कैनन कैनन से कैनन ठीक है ना तो कैनन जो था तोफ चलाने वाला फायर चलाए चला फेंका उसने है ना बट हिसव लेकिन क्या हुआ कुछ फीट ऊपर से ही पास हो गया उसका गोला सेल का मतलब जो गोला निकलता है तोप के अंदर से वो क्या हो गया वो गुजर गया सम फीट अबाउ द सेटासन वही वाइल्ड एनिमल जिसका हम पीछा करें तो उसको भी बोलते हैं ठीक है मतलब एक वेल जैसा कोई, ना क्रीचर बिल्कुल बड़ा सा तो कुछ फीट ऊपर से ही गुजर गया विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ और जो कि हमसे कितने दूर था अभी वो कम से कम आधे मील दूर था हाफ अ माइल ऑफ यानी एक आधे मील दूर था वो है ना सेटासन वाइल्ड एनिमल तो उसके कुछ फीट ऊपर से ही गुजर गया हमारा गोला लगा ही नहीं उसको ठीक है ना ओवर टू समबडी विद बेटर एम देखो अब क्या हो रहा है ओवर टू समबडी विद बेटर एम जिसका बहुत ऐसा कोई इंसान होना चाहिए कोई समबडी विद बेटर एम जिसका निशाना बहुत अच्छा हो द कमांडर सू शाउटेड कमांडर ने चिल्लाया कमा, जो कमांडर है मेन चीफ ऑफिसर है सबसे बड़े वहां के वो क्या बोल रहे उन्होंने चिल्लाते हुए कहा ओवर द समबडी किसी भी इंसान को विद बेटर एम जिसका निशाना बहुत अच्छा है एंड फाइव हंड्रेड डॉलर टू द मैन जिसका बहुत अच्छा निशाना है उसके फाइव हंड्रेड डॉलर दिए जाएंगे हु कैन पियर्स दैट इनफर्नल बीस्ट इनफर्नल मतलब होता है जो क्या कर दे राक्षसी मतलब बहुत विशाल बीस्ट को क्या कर दे पियर्स कर दे मतलब छेद दे उसके अंदर इस गोले को डाल दे है ना निशाना उस पर लगा दे उसे क्या मिलेगा फाइव हंड्रेड डॉलर का इनाम दिया जाएगा काम ऑफ आई देखो आगे देखो देखो काम ऑफ आई शांत आंखों वाला कूल ऑफ फीचर है ना और उसके नए नक्शे से बिल्कुल शांत दिखने वाला कूल ऑफ फीचर है ना एन ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर एक गनर था जो गन चलाता है ओल्ड ग्रे बियड बियडेड बियर्ड का मतलब दाढ़ी वाला ओल्ड और ग्रे कलर की दाढ़ी वाला जो गनर था है ना आई कैन सी हिम टू दिस डे तो मैं उसे देख पा रहा था आई कैन सी हिम टू दिस डे मैंने उस दिन उसे देखा उस इंसान को अप्रोच द कैनन वो कैनन के पास आ गया देखो जब इनाम की बात हुई तो काम ऑफ आई शांत आंखों वाला कूल ऑफ फीचर बिल्कुल भड़कीला स्वभाव का नहीं शांत स्वभाव का है एक बूढ़ा ग्रे बियर्ड यानी ग्रे कलर की दाढ़ी वाला जो गनर था है ना मैं उसे देख पा रहा था वो क्या हुआ उस दिन देख पा रहा था अप्रोच डो पहुंच गया द कैनन कैनन के पास है ना पुट इट इन पोजिशन और अपनी पोजिशन पुट इट इन पोजिशन और उस कैनन को अपनी पोजिशन में लगाया निशाना साधा एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से उसने क्या किया निशाना साधा देर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन और वहां पर क्या हुआ स्टूडेंट माइटी एक्सप्लोजन का मतलब एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ धड़ाम से इसी आवाज आई है ना धमाका हुआ मिंगल्ड विद चीयर्स फ्रॉम द क्रू मिंगल्ड मतलब होता है जो एक्सप्लोजन जैसे उसने किया तो सारे लोग वो एक्सप्लोजन के बीच में सब क्या करने लगे मिंगल्ड मतलब होता है मिक्स कर देना भर जाना है ना सबके सब सब लोग का जो आ, चीयर्स वाला जो साउंड था हिप हिप हुरे वाला साउंड भी उस एक्सप्लोजन में घुल मिल गया और क्या हुआ द सेल रीच्ड और इस बार जो गोला था वो पहुंच गया इट्स टारगेट अपने टारगेट पर पहुंच गया देखो इस अब जो इंसान था उसने गोला दागा और वो उस मॉन्स्टर को लग गया इस बार तो अब गया मॉन्स्टर देखते क्या हुआ उस मॉन्स्टर का है ना तो देखो सेटासन को लग गया इस बार वो टारगेट पर लग गया निशाना एनिमल इसने उस एनिमल को हिट कर दिया इस बार ठीक है ना बट लेकिन राउंडेड सरफेस एंड वेनिज इन टू द सी टू माइल्स आउट अरे क्या हो गया देखो एनिमल को तो हिट किया बट बाउंस मतलब टकरा के वापस आना इट्स अ राउंडेड सरफेस ये जो एनिमल था ना स्टूडेंट बड़ा सा उसकी सरफेस कैसी थी राउंडेड थी पंडुबी कैसी होती है वैसी राउंडेड सरफेस तो राउंडेड सरफेस से जोर से टकरा के वापस आया एंड वेनिस्ड और गायब हो गया इन द सी समुद्र में टू माइल्स आउट समुद्र में टकरा के दो मील दूर जाकर कहीं गायब हो गया वो क्या हमारा जो गोला था सेल हमने जो फेंका था तोफ के अंदर से जो बा, गोल बारूद का जो गोला था है ना वो गायब हो गया फिर क्या हुआ देखो स्टूडेंट आगे क्या हुआ जब ऐसा हुआ टकरा के वो गोले का कोई असर नहीं हुआ टकरा के वो गोला तो खुद ही दो मील दूर गिर गया तो जो ग, गनर था उसका दिमाग खराब वो बिल्कुल एंगर गुस्से में आ गया और क्या बोलता है ओ ड्रैट ड्रैट का मतलब ओ शेट है ना ओल्ड गुस्से में आकर कह रहा है, है, है लोहे की उसको बोलते आर्मर प्लेट जी गोली वोली हमें ना लगे कोई है ना इसलिए हम उससे ढाल भाले के जैसा ढाल का, का काम करती वो, है वो ठीक है ना तो क्या हुआ कि वो जो मॉन्स्टर जरूर ढका हुआ होगा अपने हाथ से सिक्स इंच मोटी जो आर्मर प्लेट से ढका होगा ऐसा वो बोल रहा है ना द हंट वॉज ऑन अगेन ये जो वार्ता शिकार फिर से किया गया फिर से प्रहार किया गया हंट मतलब प्रहार वॉज ऑन अगेन फिर से किया गया आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरिनेस है ना आवर आफ्टर आवर कई घंटों एक आवर आफ्टर आवर का मतलब क्या आता है कई घंटों तक वेंट बाय विदाउट द एनिमल ये ऐसे चलते रहा ये चीज क्या कर हुई चलते रही बाय विदाउट द एनिमल सोइंग और बिना एनी एनि, एनिमल बिल्कुल सो नहीं कर रहा था द लीस्ट साइन ऑफ वेरिनेस मतलब एनिमल के अंदर थकान की तो एक लाइन भी दिखाई नहीं दे रही थी वेरिनेस मतलब थकान तो ये चीज घंटों तक चलता रहा और लेकिन तब भी एनिमल जो था मॉन्स्टर है ना उसके अंदर थकान की तो एक लाइन भी दिखाई नहीं दे रही थी बिल्कुल थका हुआ दिखाई नहीं दे रहा था हावेवर हालांकि इट मस्ट बी सैड यह कहना पड़ेगा दैट कि वी टू हम भी स्ट्रगल्ड ऑन टायरलेसली बिना थके स्ट्रगल करते ही जा रहे थे प्रयास करते ही जा रहे थे मेहनत करते ही जा रहे थे ना एट टेन फिफ्टी अब देखो कि देखो सुबह रात के बारह से सुबह हो गई सुबह के दस पंद्रह बस के पचास मिनट भी होने लगे एट टेन फिफ्टी इन द इवनिंग अब शाम के समय होने की बात होने लगी देखो दैट इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड थ्री माइल्स अवे फ्रॉम द फ्रीगेट जो इलेक्ट्रिक लाइट था वो फिर से दिखाई देने लगा क्यों क्योंकि अब तो इवनिंग होने लगी अब अंधेरा होने लग गया ये अपने इंडिया की बात नहीं उसने है ना ये बाहर कंट्री की बात है वहाँ दस पचास कोई अंधेरा होने लग गया बारह बजे तक शाम होने लग गई फिर अगले दिन बारह सुबह हो रही ऐसा कुछ हो रहा है ठीक है ना तो एट टेन फिफ्टी यानी लगभग ग्यारह बजे इन द इवनिंग अब वहां शाम हो जाती है ग्यारह बजे दैट इलेक्ट्रिक लाइट अब अंधेरा होने लगा इसलिए वो इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड फिर से दिखाई देने लगा थ्री माइल्स अवे तीन मील दूर फ्रॉम द फ्रीगेट हमारे जंगी जहाज से जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर सही बात है स्टैंड नाइट बिफोर मतलब जो रात में जैसे दिखाई दे रहा था पिछले नाइट को नाइट बिफोर का मतलब क्या होता है नाइट बिफोर का मतलब पिछली रात नाइट बिफोर मतलब पिछली रात जैसे पिछली रात को दिखाई दे रहा था वैसे फिर से क्लियर एंड इंटेंस इतना क्लियर और इतना तीव्र दिखाई दे रहा था एज द नाइट बिफोर जितना पिछली रात को दिखाई देने लग रहा था द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस लेकिन इस बार जो मॉन्स्टर था वो ऐसा लग रहा था कि मोशनलेस है हिलडुल नहीं रहा है वॉज इट अस्लिप क्या वो सोया हुआ था पर शायद वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे हो सकता है कि दिन भर के वर्क डे से वो क्या हो वेरी थक गया हो जस्ट राइडिंग विद द वेव्स वो क्या कर रहा था सो गया था और बस वेव्स के द्वारा ही आगे पीछे बह रहा था जैसे वेव्स इधर जा रही थी उधर ही वो जा रहा था राइडिंग राइड कर रहा था वेवस के ऊपर तैर रहा था दिस वॉज अवर चांस अब हमें मौका मिल गया था देखो अब वो सो गया था बिल्कुल हिल नहीं रहा था और वेव्स के हिसाब से ही मूव कर रहा था तो दिस वॉज अवर चांस अब हमें मौका मिल गया था एंड कमांडर फेरागेट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट और कमांडर फेरागेट है उन्होंने डिसाइड कर लिया इस मौके का फुल फायदा उठाया जाए है ना ही गेव हिज ऑर्डर उन्होंने अपने ऑर्डर दिए ठीक है ना the approached without making a sound, जो हमारा जंगी जहाज था बिना किसी साउंड के क्या करने लगा स्टैंड अप्रोच पहुंच गया स्टॉप्ड उसके उस तक पहुंच गया रुक गया टू केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल एनिमल से दो केबल की लेंथ तक दूर रुक गया कुछ मिल दूर है ना uh, देखो यहां पर दिख रहा है डायग्राम में देखो ये एनिमल है ठीक है और कुछ मील दूर यहां पर दो केबल की डिस्टेंस तक यहां पर वो जंगी जहाज रुक गया है ठीक है ना अब क्या हो गया है? देखो अ प्रोफाउंड साइलेंस रिजाइंड ओवर द डेक ठीक है प्रोफाउंड का मतलब रिजाइंड मतलब रूल है ना अब प्रोफाउंड मतलब एकदम डीप गहरी प्रोफाउंड मतलब एकदम गहरी शांति री रिजाइन मतलब रूल ओवर द डेक ऐसा हमारा जो डेक था डेक का मतलब क्या होता है डेक का मतलब अभी बताया था जहाज का जो फ्लोर होता है वहां पर जो लोग खड़े रहते हैं उसको डेक बोलते हैं तो हमारे उस फ्लो जहाज के फ्लोर पर क्या थी गहरा सन्नाटा छाया हुआ था वी वर नॉट हंड्रेड फीट फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट जहाँ से जो लाइट निकल रही थी एनिमल के अंदर के उसकी उस ब्लेजिंग मतलब चमकती हुई चकाचौन देने वाली जो लाइट थी <coughs> ब्राइट जो लाइट थी है ना वहाँ से हम लोग लगभग हंड्रेड फीट दूर थे ज़्यादा दूर नहीं थे काफ़ी करीब आ गए थे हुज ग्लो ग्रीव स्ट्रोंगर एंड डेजल्ट द आइज उसका जो ग्लो था जो प्रकाश था है ना प्रकाश की जो तीव्रता थी लाइट जो निकल रहा था ग्रेव स्ट्रॉन्गर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड डेजल्ट द आइज हमारी आंखों को बिल्कुल चौंधिया दिया है ना आपकी आंखों के सामने बहुत लाइट पड़ता है तो आपकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो ऐसा बिल्कुल है ना हमारी आंखों को क्या कर दिया डेजर्ट द आइस चौंधिया दिया बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था ठीक है बिल्कुल चमक की वजह से फिर क्या हुआ जस्ट दैन और तभी लीनिंग ओवर द फोर कैसल रेलिंग आई सॉ नेडलैंड बिलो मी है ना तभी मैंने देखा किसको नेडलैंड को जो क्या था टिका टिक के खड़ा हुआ था और द फोर कैसल रेलिंग जो फोर कैसल है है ना उसकी जो रेलिंग से टिक करके जो खड़ा था ठीक है ना आई सॉ नेडलैंड मैंने नेडलैंड को देखा बिलो मी है ना मेरे मुझसे नीचे वाले फ्लोर पे है ना ब्रांडिसिंग ब्रेंडिसिंग मतलब शेकिंग शिकिंग ड्रेडफुल हारपोन वो अपने ड्रेडफुल हारपोन को क्या कर रहा था हिला रहा था सेक कर रहा था ठीक है ना बेरली ट्वेंटी फीट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशन लेस एनिमल बेरली ट्वेंटी फीट सेपरेटेड लगभग बीस फीट दूर थे हम लोग है ना हिम from द मोशनलेस एनिमल उस मोशनलेस एनिमल से आप थोड़ा सा और पास में आ गए थे और लगभग अब बीस फीट दूर थे ठीक है ना barely मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा है ना Brandishing का मतलब मूविंग फ्रो हाँ, ब्रेंडिसिंग का मतलब होता है ऐसा चौ उसको आगे पीछे हिलाना आगे पीछे हिलाने का मतलब क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा पहना कर रहा है किसको डेडफुल हारफोन को ठीक है पहना कर रहा था अब बीस फीट दूर थे हम लगभग ऑल एटवान्स और एकदम अचानक से हिस आर्म शॉट फॉरवर्ड हार्पून वॉज लॉन्च है ना आर्म शॉट फॉरवर्ड आर्म शॉट का मतलब क्या होता है स्टैंड शूट जो करते हैं ना आर्म शॉट अपने भुजाओं में किसी गन को रखना है ना भुजाओं में किसी गन को रखना बाजू में कंधे पर और शॉट शूट करना किसी को तो ये आपका जो शूट जो किया आपने इसको बोलते आर्म शॉट है ना भुजा में जो गन थी उसको आपने शॉट किया चलाया फॉरवर्ड आगे की तरफ एंड द हारपून वॉज लॉन्च्ड और जो हारपून था जो भाला था वो लॉन्च किया गया है ना आई हर्ड द वीपन मेक अ रिंगिंग साउंड मैंने सुना ये जो वीपन था हमारा जो हथियार था उसने एक रिंगिंग साउंड निकल रहा था वहाँ से एज इफ इट हैड हिट जैसे ही वो टकराया है ना <coughs> 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 Sorry, हाँ, देखो द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली तो आई हर्ड मैंने सुना जैसे ही हमने क्या किया अपना लॉन्च किया उसके ऊपर हारपुन को अटैक कर दिया उस पर आई हर्ड तो हम मैंने सुना जो ऑथर है वो बोल रहे हैं मैंने सुना द वी मेक अ रिंगिंग साउंड जैसे टकराने के बाद उससे ना एक रिंगिंग साउंड जैसे आप किसी घंटी बजाते बेल बजाते हैं तो कैसी रिंगिंग साउंड निकलती वैसे साउंड निकल रहा था एज इफ ऐसा लग रहा था मानो इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस किस जो हारपोन है वो किसी हार्ड सब्सटेंस से हार्ड कठोर चीज़ से टकराया हो है ना द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट और जैसे ही टकराया तो जो इलेक्ट्रिक लाइट निकल रही थी वो हमें I सडनली mean, क्या हो गई गायब हो गई एंड टू एनॉर्मस वाटर स्पॉट्स क्रैश्ड इनटू द डेक ऑफ द फ्रिगेट और दो टू एनॉर्मस एनॉर्मस का मतलब क्या होता है ह्यूज बड़े से वाटर स्पॉट्स वाटर स्पॉट मतलब पानी के फवारे क्रैस्ड टकराए है ना इन टू द ऑन टू द डेक हमारी जो डेक है स्टूडेंट जहाँ पर हम खड़े थे सब लोग वहां पर दो पानी के फवारे उछल कर हमारी हमारे जंगी जहाज पर वो टकराने लगे है ना क्रैश्ड टकराए ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट हमारी फ्रिगेट के डेक पर रेसिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिप टू द अदर रेसिंग लाइक और टोरेंट टोरेंट का मतलब देखो धार बहाव है ना ऐसे टकराए जैसे कि एक बहुत ज्यादा बहाव के साथ है ना एक इंट से दूसरे इंट तक पानी बह रहा हो ऐसा वो टकराए हमारे फ्रिगेट को ठीक है ना ठीक है आगे देखो क्या हो। देखो ये समझ में आ, आएगा डायग्राम को देखना आप देखो कैसे टकरा रहे पानी की लहर ठीक है ना और एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल ठीक है ना आगे देख लेते बच्चे है ना रेसिंग लाइक हाँ ये हो गया टू टॉप टॉपलिंग क्रूमैन ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देअर लेसिंग देखो क्या होता है टॉपलिंग का मतलब होता है फॉल डाउन क्रूमैन जो क्रियमैन थे वो क्या हो गए टॉपलिंग मतलब लुढ़क गए बिल्कुल जब वो टकराया पानी का कुछ बहाव जोरदार तरीके से तो टॉपलिंग क्रूमैन क्र्यूमैन कैसे हो गए लड़खड़ आ गए बिल्कुल है ना ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट और जो मास्ट था वो भी क्या हो गया वो भी टूट गया स्टैंड इतना बड़ा झटका लगा हमारे जंगी जहाज को एंड यार्ड आर्म्स है ना यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लेसिंग जो यार्ड आर्म्स होते हैं वो भी क्या हो गया लेसिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग है ना इतने बड़े झन्नाटे की वजह से है ना वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो यार्ड आर्म है है ना वो भी क्या हो गया स्टेंड स्टैंड वो भी टूट गया ठीक है समझ में आ रही चीज आपको ठीक है मतलब जो किनारा जो तो होता है जहाज का वो भी क्या हो गया टूट गया ठीक है आगे देखो तो क्या, हो तो क्या होता है अ हीडियस कॉलिजन ऑक्यड एक कॉलिजन मतलब होता है टक्कर का मतलब क्या होता है स्टैंड मतलब भयंकर, एक बहुत तेज कॉलिजन टक्कर हुई स्टैंड एंड थ्रोन ओवर द रेल विद नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट आई वॉज हर्ल्ड इन टू सी और क्या हो गया एक हीडियस कॉलिजन हुआ बहुत बड़ा टकरा हुआ एंड थ्रोन ओवर थ्रोन ओवर का मतलब क्या होता है द रेल जो विद नो टाइम और जो रेल होती जो किनारे की जो पट्टी होती है जहाज की उसको बोला है रेल है ना वो भी क्या हो गई टूट के नीचे गिर गई है ना विद नो टाइम पलक झपकते ही टू कैच होल्ड ऑफ इट जिसको हम कैच पकड़ के रखा हुआ था लोग लो किनारे से पकड़ते हैं वो रेल भी टूट गई आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी मैं क्या था बिल्कुल थ्रोन मैं भी समुद्र में हर्ल्ड का मतलब गिर गया हर्ल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है थ्रोन है ना इन टू द सी और मैं भी समुद्र में इतना बड़ा झटका लगा कि मैं भी उसी समुद्र में नीचे गिर गया ऐसा ये राइटर बता रहे हैं फिर क्या हुआ आ अब बस इतनी स्टोरी है स्टूडेंट ठीक है तो कैसी लगी आपको स्ट्रगल कैसे हो रहा है एक एनिमल है ना एनिमल जैसा इमेजिन किया गया उसके बीच में और एक जंगी जहाज के बीच में थैंक यू स्टूडेंट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना थैंक यू स्टूडेंट